नगर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। किसने राखी बना रही है, क्या उद्देश्य है? आज हम लोग अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए राखी बना रहे हैं, और पिछले 7 सालों से सन 2013 से हम लोग राखी भेजने का कार्यक्रम, अपने हाथ से बनाई हुई राखी भेजने का कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। पहली बार हम लोगों ने इंद्रेश जी के माध्यम से मोदी जी को राखी भेजी थी और पत्र लिख करके उन्हें निमंत्रण दिया था कि वो बनारस से चुनाव लड़ें, और तब से ये सिलसिला लगातार जारी है। और जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम बहनों के लिए काम किया, 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, और एक बड़े पिता की तरह, एक भाई की तरह हम बहनों के बारे में सोचा, और तब से लगातार उन्होंने धारा 370 हटाई, राम जन्मभूमि विवाद जो लंबे समय से चलता चला आ रहा था उसको निपटाया, और अभी पिछले दिनों हमारे भारत पे के गलवान घाटी में जो चीनी सेना ने हमला किया था उसका भी उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। इन सारी चीज़ों का धन्यवाद हम लोग राखी के माध्यम से करते आ रहे हैं, और एक पिता की तरह, एक भाई की तरह उन्होंने पूरे देश का सर्व गर्व से ऊंचा उठाया और हम बहनों का भी ध्यान रखा है। हमें बहुत खुशी है कि 5 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन करेंगे, और जो हमारे पूर्वजों का जन्म स्थान था, भगवान श्री राम का जन्म स्थान था, उस पर भूमि पूजन करके भव्य मंदिर का निर्माण होगा। ये हमारी बहुत पुरानी मनोकामना थी, हमारे लंबे समय से चली आ रही मनोकामना थी। हम लोगों ने इसके लिए एक लंबी लड़ाई भी लड़ी थी, और वो आज हमारी लड़ाई सफल हो रही है, आंदोलन हमारा सफल हो रहा है, और हमारे पूर्वज भगवान श्री राम का मंदिर वहाँ पर बनने जा रहा है। किन किन लोगों का राखी बना रही हैं, क्या? आज हम लोग मोदी जी के लिए राखी बना रहे हैं, आदरणीय इंद्रेश जी के लिए राखी बना रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए राखी बना रहे हैं, क्योंकि आज जी उनके लिए राखी बना रहे हैं, और विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो पूरी दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खड़े होंगे और पूरी दुनिया को आतंकवाद से मुक्ति दिलाएंगे। ये हाथों से राखी बनाने क्या मतलब है? लोग चाइना की राखी भी मंगाते हैं क्या, उनका बहिष्कार के लिए? जी, चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग, मोदी जी ने कहा कि वोकल से लोकल बनना है, तो हम लोग स्वदेशी अपनाने का काम कर रहे हैं। चीनी सामानों का बहिष्कार करके चीन की आर्थिक स्थिति, आर्थिक रूप से कमर तोड़ेंगे, और अपने हाथ से बनाई हुई राखी अपने देश के लोगों को, प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे, ताकि पूरे देश के लोग हाथ से बनाई हुई राखियों को प्रमोट कर सकें। पूरा प्रक्रिया डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, संस्थापक अध्यक्ष विशाल भारत संस्थान। आज किस तरह राखी बनाई जा रहा है, क्या उद्देश्य है? देखिए, आज राखी का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि चीन जिस तरह से सारे सामानों को अपने यहाँ बना करके भारत में भेजता है, तो राखी का एक बहुत बड़ा त्यौहार और बहुत बड़े त्यौहार पर चीन के द्वारा बनाई गई राखी का इस्तेमाल होता है। तो हर त्यौहार पर चीन अपने यहाँ से सामान बनाता है और यहाँ भेजता है, तो मोदी राखी बनाई जा रही है। अब यह हम लोगों ने तय किया है, मुस्लिम बहनों ने तय किया है कि हम लोग महापुरुषों के नाम की राखी बनाएंगे और उन बहनों को देंगे जो बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। तो मोदी राखी, इंद्रेश राखी, ये राखी का निर्माण हो रहा है और ये राखी बनेगी और लोगों को हम लोग वितरित करेंगे, वो बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधेंगी। दूसरा, मेरा सभी बहनों से ये निवेदन है कि वो चीन के द्वारा बनाई गई राखी जो खून से सनी हुई है, भारतीय वीर जवानों के जो शहादत हुई है उनके खून से उसकी राखी सनी हुई है, चीन के राखी का इस्तेमाल न करें, चीन के सामानों का बहिष्कार करें, स्वदेशी अपनाएं, और इसीलिए मोदी राखी का प्रचलन किया जा रहा है। मोदी जी को भी राखी भेजी जाएगी, इंद्रेश कुमार को भी राखी भेजी जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप को राखी भेजी जाएगी, और ये मोदी राखी और भी हिंदू मुस्लिम बहनों में बांटी जाएगी ताकि वो अपने भाइयों को इस राखी को बांध सके, ताकि मोदी का मतलब स्वाभिमान है, मोदी का मतलब सम्मान है, मोदी का मतलब सुरक्षा, और मोदी का मतलब बहनों का आत्मसम्मान है। तो इन सारी परिस्थितियों को राखी बांधने से जो भाव पैदा होगा वो मोदी राखी या स्वदेशी राखी बांधने से होगा, और चीन के आर्थिक रूप से हम लोग चीन की कमर तोड़ेंगे, और ये संकल्प आज रक्षाबंधन पे सभी भाई बहन ले रहे हैं और आने वाले समय में लेंगे। मोदी जी 5 अगस्त को बहुत प्रतीक्षित भगवान श्री राम का, जो करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं, उस आराध्य के जो स्थापना हो रही है, मंदिर की स्थापना हो रही है, उसके शिला पूजन में जा रहे हैं। तो इसके लिए तो कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा दुनिया का, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो प्रसन्न नहीं होगा, और मोदी जी का यह कदम
उनके लिए हजारों सालों तक उनको इतिहास में जीवित रखने वाला बनाएगा। इतिहास में वो अजर और अमर हो जाएंगे, क्योंकि ये दूसरा मौका है। जैसे सोमनाथ मंदिर के बाद ये दूसरा बार भगवान श्री राम के मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और ये विश्व का तीसरा मंदिर होगा जिस तरह से योजना बनाई गई है।